स्टूडेंट्स लिसन, जो चैप्टर स्टार्ट था उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको हम दे रहे हैं। लुक एट दी ब्लैक बोर्ड, क्वेश्चन क्या है? लिसन, ए 100 kg, ए 100 kg ऑब्जेक्ट पुश्ड एट ए 100 kg ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट जो है इंक्लाइन प्लेन पर सिचुएटेड है, ये इंक्लाइन प्लेन है 30 डिग्री पर, इस पर एक ऑब्जेक्ट पुट अप किया गया है, इस ऑब्जेक्ट पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ अप्लाई किया गया है। डायग्राम आप देखते रहिए, 30 डिग्री पर जो है इंक्लाइन प्लेन है जिस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ अप्लाई किया गया है। आपको निकालना है इसमें कि जो फोर्स अप्लाई किया गया है उस फोर्स के वजह से ये जो है ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। ड्यू टू अप्लाइड दिस फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, दैट ऑब्जेक्ट मूव्ड कांस्टेंट स्पीड ऑन द इंक्लाइन प्लेन, द इंक्लाइनेशन इज द 30 डिग्री। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, और साथ ही साथ जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो ये फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस यानी इस पर फ्रिक्शन भी वर्क नहीं कर रहा आपका। तो आपसे पूछा गया है क्वेश्चंस कि इस एफ का वैल्यू फाइंड आउट करिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ फर्स्ट, और सेकेंड में पूछा है कि इस ऑब्जेक्ट पर डाउनवर्ड कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, यानी फोर्स ऑन द क्री, फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए, एक इंक्लाइन प्लेन जिस इंक्लाइन प्लेन का इंक्लाइनेशन 30 डिग्री दिया गया है, इस पर एक ऑब्जेक्ट पुट अप किया गया है जिस ऑब्जेक्ट का मास 100 केजी है, इस ऑब्जेक्ट पर हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ अप्लाई किया गया है जिस फोर्स के वजह से यह ऑब्जेक्ट जो है इंक्लाइनेशन प्लेन पर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है विदाउट फ्रिक्शनलेस। इट मींस व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन द इंक्लाइन प्लेन देयर इज नो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट बिटवीन द कॉन्टेक्ट देम, यानी इन दोनों के कॉन्टेक्ट पर जब यह ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो वहां फ्रिक्शन फोर्स वर्क नहीं कर रहा। तो आपको निकालना है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एफ, यानी एफ का वैल्यू निकालना है, साथ ही साथ ये निकालना है कि इस फोर्स पर डाउनवर्ड कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट जब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो इस पर कितना डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है, ये आपको निकालना है। ये पूरा सिस्टम तो हमने आपको दिखा दिया, अब इसको सिंपलीफाई करना है। कैसे सिंपलीफाई करेंगे इस क्वेश्चन? समझ में नहीं आया। हेलो, क्वेश्चन समझ नहीं आया। समझ में नहीं, ये बताओ कि डायग्राम दिखाई दे रहा है? Yes. ये इंक्लाइन प्लेन देख रहे हो, इस इंक्लाइन प्लेन पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है जिसका मास 100 केजी है। Yes, sir. इसका मास 100 केजी है और इस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ अप्लाई किया गया है। इस फोर्स के वजह से यह ऑब्जेक्ट इस इंक्लाइन प्लेन पर कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो जब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो इसी एफ का वैल्यू आपसे पूछा है कि इस एफ का वैल्यू बताओ कितना इस पर फोर्स लगा है। लेकिन एक चीज और दिया है कि जब यह ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस समय फ्रिक्शनलेस कर दिया गया है, इसका मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं कर रहा सर। तो आपको तो पता लगाना है कि इस पर उसका एंगल 30 डिग्री है। 30 डिग्री ये क्वेश्चन में दिया गया है, इंक्लाइनेशन 30 डिग्री दिया है। तो आप बताओ कि इसमें क्या आप समझना चाहते हो? आपको समझाने का मतलब कि यही है कि यह एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लाइनेशन 30 डिग्री है, इस पर एक ऑब्जेक्ट पुट अप किया गया है जिसका मास आपको 100 kg दिया है, इस ऑब्जेक्ट पर आपको हॉरिजॉन्टल एक फोर्स एफ अप्लाई किया गया है, इस फोर्स से यह ऑब्जेक्ट इस इंक्लाइन प्लेन पर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है फ्रिक्शनलेस।
फ्रिक्शनलेस कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। याद रखिए, जब ये ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पर मूव करेगा तो वहां फ्रिक्शन फोर्स नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है। यस सर। अब कह रहा है कि बताइए कि इस एफ का वैल्यू क्या होगा। तो इस एफ के वैल्यू को आप फाइंड आउट कैसे करेंगे? अब याद रखिए, आपको आपको जो है कनेक्टिंग मोशन से रिलेटेड आपको जो है कुछ टर्म बताए गए थे। उस टर्म को यहां देखिए आप लोग कैसे हम इसको यूज कर रहे हैं। बैक साइड साउंड आ रही है, आप अपना साउंड ऑफ कर लो। देखो, ये इस ऑब्जेक्ट का वेट डाउनवर्ड आपका काम करेगा, W इज इक्वल टू mg। ये ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पर पुट अप किया गया है, तो इंक्लाइन प्लेन का रिएक्शन फोर्स अपवर्ड काम करेगा। ये हो गया आपका रिएक्शन फोर्स R। यानी ये इंक्लाइन प्लेन इस ऑब्जेक्ट पर नॉर्मल जो फोर्स एग्जर्ट करता है उस फोर्स को हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं। तो ये रिएक्शन फोर्स आपका नॉर्मल लग रहा है इंक्लाइन प्लेन का, ये रिएक्शन फोर्स हो गया आपका। दिस एंगल इज 30 डिग्री, सो दिस एंगल इज आल्सो 30 डिग्री, एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो दिस एंगल इज 60 डिग्री। यस सर। ये एंगल समझ में आ रहा है ना? बोलिए। ये बोर्ड क्लियर नहीं है। ये एंगल 30 डिग्री, तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। और जब ये एंगल 30 डिग्री, लाइट जला दीजिएगा सर, दिख नहीं रहा है। यस सर, लाइट जला। अब उसको ऑन करने पर ये आपको साइनिंग कर रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। हेलो स्टूडेंट्स, दिखाई दे रहा है ब्लैक बोर्ड क्लियर? नो सर, वो वाला जो बन साइनिंग कर रहा है, साइनिंग हो रहा है सर। तो साइड में वो बनाइए ना। यस सर, साइड बना दीजिए फिगर। यस सर, वहां पे भी बना दीजिए सर। राइट में राइट में। लिसन, इस डायग्राम को हम डाउनवर्ड आपको सेट कर रहे हैं। यहाँ आप इस साइड में आप देखो, हाँ डियर स्टूडेंट्स, ये डायग्राम जो आपको यहाँ साइनिंग हो रही है, उस डायग्राम को हमने इस साइड में यहाँ पर फॉर्म किए हैं। आप ये देखो, एक ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास 100 kg क्वेश्चन में दिया गया है। ये ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पर सिचुएटेड है जिसका इंक्लाइनेशन 30 डिग्री है। इस ऑब्जेक्ट पर होरिजेंटल फोर्स एफ अप्लाई किया गया है जिससे यह ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट स्पीड से फ्रिक्शनलेस मूव कर रहा है। तो आपको बताना है कि इस एफ का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ, ये हमारा क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो हम इस एफ का वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या कर दिया कि यहाँ ये वेट है, इस ऑब्जेक्ट का वेट डाउनवर्ड काम करेगा, इस इंक्लाइनेशन प्लेन का रिएक्शन फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर अपवर्ड काम करेगा, इस लाइन को हमने नीचे इंक्रीज कर दिया। अब ये एंगल 30 डिग्री, तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, और ये एंगल 60 डिग्री होगा।
अब आप बताइए कि रिजोल्यूशन आपने वेक्टर पढ़ा होगा, इस वेट को हम रिजॉल्व कर रहे हैं, तो जब वेट को रिजॉल्व करेंगे तो इस डायरेक्शन में आएगा आपका एम जी कास 30 डिग्री। बोलिए क्लियर है? इस वेट का जब इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू होगा एम जी कास 30। हेलो यस सर, ये समझ में आ रहा है ना स्टेप एम जी कास 30। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ, इसका वर्टिकल कंपोनेंट इस साइड में आएगा और ये होगा एम जी साइन 30। अब आइए, अब जब ये एंगल 30 डिग्री तो डायग्राम से ये एंगल 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, टोटल एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल 60 डिग्री होगा। साथ ही साथ इस लाइन पर ये आपका परपेंडिकुलर है तो ये 60 डिग्री, तो दिस एंगल इज 30 डिग्री। अब आप देखिए ये जो एफ है वो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट लेंगे तो एफ कॉस 30 होगा। देखा आपने एफ कॉस 30। बोलिए क्लियर है? हेलो अब क्लियर है? तो देखिए आपसे क्वेश्चंस में यही पूछा है कि इस एफ का वैल्यू बताइए, तो आप ये बताइए कि यह ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इसका मतलब कि उसमें एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा है तो अगर हम इक्विलिब्रियम कर लें, हेलो इधर देखिए इक्विलिब्रियम कंडीशंस के अंतर्गत आप जाते हैं तो ये फोर्स इस फोर्स के इक्वल्स हो जाएगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड विद फ्रिक्शनलेस, यानी जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स भी काम नहीं कर रहा, साथ ही साथ ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या हो गया? बोलिए किस कंडीशंस में ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है? जब आपका एक्सीलरेशन इक्विलिब्रियम कंडीशंस में, और इक्विलिब्रियम कंडीशंस में आपका ये फोर्स इस फोर्स के इक्वल होगा या नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो उस कंडीशन में अगर हम एफ कॉस 30 को अगर एम जी साइन 30 के इक्वल्स कर दे तो यहां से एफ का वैल्यू मिल सकता है। एफ और कॉस 30 का वैल्यू √3/2, एम का वैल्यू 100 दिया है किलोग्राम क्वेश्चंस में, जी को चलो हम 10 ले लेते हैं, और साइन 30 का वैल्यू 1/2, 2 से कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। एफ का वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे आप तो ये हो जाएगा 1000 अपान ये हो जाएगा √3। अब आप √3 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ऊपर 100√3 हो जाएगा और नीचे रूट खत्म अपॉन 3। और आपने स्टडी किया है कि √3 का वैल्यू 1.471 होता है। कितना होता है √3 का वैल्यू? बोलिए 1.732 मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो 732 डेसिमल रिमूव होगा, अपान हो जाएगा 3 से डिवाइड कर दीजिए आप, 3 5 15 3 7 21 2 बचेगा 22 3 7 21 1 बचेगा डेसिमल बढ़ाकर 0 ले जाइए 3 3 9 छोड़ दीजिए आप, यानी 577.3 न्यूटन इस पर अप्लाइड फोर्स का वैल्यू है। तो देखा आपने, हमने इस तरीके से इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सिंपलीफाई किया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इंक्लिनेशन प्लेन पर रखा है, अगर ये सिस्टम दे दिया तो कह दिया कि बताइए कि इस फोर्स का वैल्यू क्या होगा, तो उस फोर्स के वैल्यू को निकालने के लिए पहले आपको इक्विलिब्रियम कंडीशंस लाना होगा, और इक्विलिब्रियम कंडीशंस में लाने के लिए फोर्स को रिजॉल्व करना होगा, यानी यहां मैंने जो सिस्टम अप्लाई किया है वो है रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर निकालने के बाद हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई कर दिए। इक्विलिब्रियम कंडीशंस में आपका जो है अपवर्ड फोर्स या फोर्स इसके इक्वल होता जाएगा और ये फोर्स इसके इक्वल होगा। हमको तो केवल एफ का वैल्यू पूछा है तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस में ये फोर्स इस फोर्स के इक्वल हम कर देंगे, लेकिन हम तभी कर सकते हैं जब वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है।
यानी उसमें एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा। एक्सेलरेशन काम ना करने का मतलब कि इस पर नेट फोर्स का वैल्यू जीरो है, और नेट फोर्स का वैल्यू जीरो का मतलब कि दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स। आज जब दोनों को इक्वल करके सॉल्व करेंगे तो अप्लाइड फोर्स का वैल्यू 577.3 न्यूटन आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने कनेक्टिंग मोशन से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स बताए। आइए दूसरा न्यूमेरिकल्स आपको लेकर चलते हैं कनेक्टिंग मोशन से रिलेटेड। हेलो यस सर ये आप yes, ये क्लियर दिखाई दे रहा है 60 न्यूटन नो सर नो सर नहीं दिखाई दे रहा सर ऊपर लिख लीजिए यस सर चलिए ब्लैक बोर्ड पर आप देखिए आपके सामने एक सिस्टम आपको यहाँ फॉर्म किया गया है। ये M1 M2 M3 थ्री ऑब्जेक्ट जिनका मास रेस्पेक्टिवली 10 kg 20 kg एंड 30 kg है। इस सिस्टम को जो है थ्रेड द्वारा जो है एक दूसरे से होल्ड कर दिया गया है, टाइट कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया है, मतलब बांध दिया गया है। और इस ऑब्जेक्ट पर M3 ऑब्जेक्ट पर 60 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया है। इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है, आपको बताना है कि इस सिस्टम पर कितना एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है, यानी इस सिस्टम में कितना एक्सेलरेशन वर्क किया जाएगा अगर इस ऑब्जेक्ट पर 60 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया है। तो पहला चीज आपको एक्सेलरेशन निकालना है, फिर आपको निकालना है T1 एंड T2 का वैल्यू निकालना है। यानी आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है, T1 का वैल्यू आपको निकालना है और T2 का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो बोलिए ये आपको क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन क्या दिया गया है? यस सर। फिर यस सर देखिए M1 M2 M3 तीन ऑब्जेक्ट है जिनके मास 10 kg 20 kg 30 kg है। इन ऑब्जेक्ट को जो है कॉर्ड द्वारा एक दूसरे से होल्ड कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया, बांध दिया गया। अब क्या किया गया है कि इस M3 ऑब्जेक्ट पर 60 न्यूटन का फोर्स राइट साइड अप्लाई किया गया है। तो आप जानते हो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वो ऑब्जेक्ट अगर मूव करने के एबल है तो वो फोर्स के डायरेक्शंस में क्या करेगा, ऑब्जेक्ट मूव करेगा।
तो आप बताइए कि अगर इस पर हम 60 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दे रहे हैं तो बताइए कि ये सिस्टम किस एक्सीलरेशन से मूव करेगा, वाला चीज। फिर दूसरा पूछा है कि इन कार्ड में, यानी ये जो रस्सी, ये जो कार्ड लगा हुआ है जिससे ये ऑब्जेक्ट होल्ड किए गए हैं, इनमें जो टेंशन T1 T2 लग रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। ये हमारा डायग्राम था और केवल आपको ये वैल्यू दिया गया है, इस वैल्यू पर आपको एक्सेलरेशन निकालना है, टेंशन निकालना है, टेंशन निकालना है, कैसे सॉल्व करेंगे इस पर डिस्कस करना है। तो याद रखिए, जब बात फोर्स की हो रही है तो निश्चित है कि न्यूटन सेकेंड लॉ ही यूज करना होगा, और न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है कि एफ इज इक्वल टू एम ए। तो अब आइए हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। देखिए, आपने ये स्टडी किया है एफ इज इक्वल टू एम इनटू ए। अब जरा ये बताइए कि अब एफ इज इक्वल टू एम का मतलब क्या हुआ है, एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री इंटू ए। आप कहोगे तो एम की जगह तीनों को ऐड कर दिए हैं, तो याद करो ये तीनों सिस्टम एक दूसरे के साथ होल्ड किए हैं। अगर ये सिस्टम मूव करता है कनेक्ट है, ये भी मूव करेगा उसके साथ, और ये फोर्स इस पर अप्लाई किया है 60 न्यूटन, तो अगर ये एक्सीलरेशन से अगर फोर्स के डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये दोनों ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में सेम एक्सीलरेशन से मूव करेंगे क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ या फिजिकल टू एम ए, वेयर एम इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री इंटू ए होगा। एफ का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया है 60 और एम वन का वैल्यू 10, एम टू का वैल्यू 20, एम थ्री का वैल्यू 30 इंटू 60 इज इक्वल टू 30 से 50 60 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
मीटर पर सेकंड स्क्वायर 1 मीटर पर सेकंड तो बोलिए ये क्लियर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहला स्टेप आपको मैंने बताया कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट पर अगर 60 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये पूरा सिस्टम जो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करेगा। पहला स्टेप पूरा हो गया। अब हमको निकालना है T1 एंड T2 का वैल्यू निकालना T2. है चलिए उसके लिए देखिए आप स्टेप अब आइए इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। फॉर ऑब्जेक्ट M1 के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पहले पता होना चाहिए कि ये फ्रिक्शनलेस है यानी इस पर फ्रिक्शन फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। बताइए कि जब ये मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में तो किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा जो अभी मैंने निकाला है आपको वैल्यू। इसका मास क्या है तो 10 kg है तो ये किस फोर्स से मूव कर रहा है। इस पर तो केवल टेंशन T1 लगा है ना, ये टेंशन T1 से मूव कर रहा है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ से आप अगर F इक्वल टू M में अप्लाई करते हैं तो F की जगह T1 हो जाएगा, M की जगह M1 IN2 ये हो जाएगा A। और T1 इक्वल टू M1 का वैल्यू 10 दिया है और A का वैल्यू 1 निकाले हैं इक्वल टू 10 न्यूटन। यानी इसका टेंशन कितना आ गया 10 न्यूटन आ गया। अब हमको निकालना है T2 का वैल्यू। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है T2 का। तो आइए T2 पर डिस्कस करते हैं। T2 को कैसे निकालेंगे आप? तो फॉर ऑब्जेक्ट M2, अब M2 पर चल रहे हैं। अब बताइए कि M2 जब मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से तो किस फोर्स से जा रहा है? तो इस फोर्स से जा रहा है। ये टेंशन ही फोर्स का काम कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम न्यूटन सेकेंड का अप्लाई करें तो F इक्वल टू M इनटू A, F की जगह M2 होगा क्योंकि याद रखिए जब ये T2 फोर्स से अगर राइट साइड मूव करेगा तो जब ये मूव करेगा तो उसके साथ ये इंक्लूड है, ये भी क्या होगा मूव करेगा, इसलिए मास हम लेंगे M1 प्लस M2। M1 की जगह 10, M2 की जगह 20, IA का वैल्यू 1 निकाले हैं।
मल्टीप्लाई करेंगे 30 न्यूटन तो इस तरीके से हम करेक्टिंग मोशन के प्रॉब्लम को सिंपलीफाई करते हैं. ओके, कोई डाउट? यस सर. नो सर. बहुत अच्छा. ये बताइए कि अब जो है अब न्यू चैप्टर स्टार्ट किया जाए, क्योंकि आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बताए गए, कुछ आप न्यूमेरिकल सेल्फ प्रैक्टिस कर लीजिए. अब इसके बाद ये चैप्टर में जो पॉइंट था वो बता दिया गया है, अब न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा. और न्यू चैप्टर आपका स्टार्ट किया जाए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. हेलो सर, सर्कुलर मोशन पढ़ा दिए. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चैप्टर आपका, मतलब ये आपके सिलेबस से बिलोंग कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. लेकिन अब वह स्टेप हम आज से नहीं स्टार्ट करेंगे, आपका न्यू चैप्टर जो है कल स्टार्ट होगा. आइए कुछ और हम जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं. सर बैंकिंग ऑफ फूड पढ़ा दिए हैं. हाँ, क्या चीज? बैंकिंग ऑफ फूड. ऐसा है ना कि बैंकिंग ऐसा है कि सुनो, बैंकिंग ऑफ रोड या सेंट्रीपेटल फोर्स, वो सारा स्टेप वन बाय वन आएगा. हम अपने हिसाब से आपको वन बाय वन स्टेप ले रहे हैं. हमने यूनिफॉर्म मोशन की बात किया. अब यूनिफॉर्म मोशन में जाओगे, कोई भी अगर साइकिल राइडिंग है, वो जब साइकिल राइडिंग करता है तो किसी कार्नर पर मूव करने के लिए अपने बॉडी को क्या कर देता है, वर्टिकल से कुछ बेंड कर देता है. आपने देखा होगा कि जब रोड कार्नर से मुड़ती है तो वो जो है कार्नर की तरफ बेंड कर दिया जाता है. क्यों बेंड किया जाता है? अभी आपको बहुत सारे स्टेप हमको बताने हैं, जैसे सेंट्रीपेटल फोर्स है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, ये सारी चीज बताएंगे आपको, तब वो स्टेप आएगा. अभी आपका ये चल रहा था, आपका जो पढ़ रहे थे मोशन से रिलेटेड, न्यूटन लॉ ऑफ द मोशन से रिलेटेड आपने स्टडी किया, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पल्स, ठीक है, ये सारी चीजें आपने स्टडी किया और उससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स लिया गया. अब उसी से रिलेटेड और भी टॉपिक आपको बताना है इसमें. जैसे आइए स्टेप आपको हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे स्टेप. अब जो है एक क्वेश्चन आता है कि जो आप जैसे कोई साइकिल राइडिंग जो है टर्न करते समय अपने बॉडी को वर्टिकल से बेंट कर लेता है, या रोड को कार्नर पर बनाते समय उसको रोड को जो है कार्नर की तरफ बेंट कर दिया जाता है, तो उसको समझाने के लिए पहले हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को बताना होगा. और जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बताएंगे तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन डिफाइन करना होगा. जब सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन डिफाइन कर लेंगे तो सेंट्रीपेटल फोर्स आपको बताएंगे, तब जाकर के उन चीजों को हम बताएंगे आपको. ओके क्योंकि एक बाइक कह देने से नहीं होता, स्टेप है, सीक्वेंस है, वन बाई वन जब जाएंगे तब स्टेप आएगा. ओके हम स्टेप लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो पहले बात हो रही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस के अंतर्गत आ जाइए, इसको थोड़ा सा देखा जाए स्टेप को. सपोज कर लेते हैं ये सर्कुलर पाथ है. सपोज के लिए केवल आप ये देखो कि यह एक सर्कुलर पाथ है. इस सर्कुलर पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ये सपोज कर लो. सपोज कर लो कि ऑब्जेक्ट यहां पर है, ये पर हमने सपोज कर लिया. जब ऑब्जेक्ट ए पर है तो उसका स्पीड आपका जो है ये हो गया आपका भी, ये भी स्पीड से मूव कर रहा. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है और वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, जिस सर्कुलर पाथ का रेडियस आप सपोज कर लेते हैं कि स्मॉल आर है, चलो स्मॉल आर है, और ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर भी स्पीड से मूव कर रहा है, अगर इसको हम अगर वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत ले जाएं तो हम कह देते हैं कि ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है. और याद रखना सर्कुलर पाथ के किसी भी पॉइंट पर अगर बॉडी के वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है तो वहां पर हम टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं और टेंजेंट लाइन उस पॉइंट पर उस बॉडी के वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है. तो यहां पर इसकी वेलोसिटी v1 हो गया. सपोज कर लेते हैं कि आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, चलो हमने एक टाइम इंटरवल ले लिया डेल्टा टी टाइम इंटरवल बाद ये बॉडी जो है ए से बी पॉइंट पर पहुंच गई, सपोज कर लिया. तो जब बॉडी ए से अगर बी पर पहुंच गई तो उस समय सेंटर से इसको ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दिया. और यहां पर जब बॉडी जब मूव करके पहुंच गई तो यहां पर उसकी वेलोसिटी शो करना है, तो यहां पर हमने वेलोसिटी ले लिया v2.
वी टू ले लिया, लेकिन एक चीज याद रखना, ये लाइन दिखाई दे रही है, ये वेक्टर वी वन के को मार्ट लगा दिया, वेक्टर वी टू का भी yes. और मार्ट लगा देने का मतलब कब, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं बट स्केलर क्वांटिटी हो गया scalar. इसका मतलब कि ये स्पीड चाहे ए पर हो या बी पर हो, उसका स्पीड हर समय कांस्टेंट है, ए और बी yes, इसका स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट yes, है, लेकिन उस बॉडी के मूव करने का डायरेक्शन जो है कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है. आप देखो अगर बॉडी ए पर है तो उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन सी ए हुआ, अगर बॉडी बी पर पहुंच जा रही है डेल्टा टी टाइम इंटरवल पर तो उसका वेलोसिटी आपका वी टू हो जा रही है जिसका डायरेक्शन सी ए हो गया, और साथ ही साथ इस इंटरवल पर उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने सपोज कर लिया डेल्टा थीटा सपोज कर लिया. हम दिखाना क्या चाहते हैं कि व्हेन द बॉडी मूव्स ऑन द सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड देन इट्स डायरेक्शन कंटीन्यूअस चेंजेज, देन इट्स डायरेक्शन कंटीन्यूअस चेंजेज एंड ड्यू टू चेंज द डायरेक्शन इट्स वेलोसिटी इज चेंजेज एंड यू नो दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन. इसका मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा तो इसका स्पीड तो हर पॉइंट पर इक्वल होता है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने से इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और उस वेलोसिटी चेंज होने की वजह से एक एक्सेलरेशन वर्क करता है जिस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कहते हैं. क्यों कहते हैं, क्योंकि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है वो सेंटर की तरफ होता है. समझ में आया, इसीलिए इसका नाम रखा गया सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन. तो मैंने आपको स्टेप क्या दिखाया कि व्हेन द बॉडी मूव्स ऑन द सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, सो इट्स स्पीड इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट बट ड्यू टू चेंज द डायरेक्शन इट्स वेलोसिटी चेंजेज एंड ड्यू टू चेंज द वेलोसिटी द एक्सीलरेशन इज वर्क ऑन द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर दैट एक्सीलरेशन इज कॉल्ड द सेंट्रीपेटल accelerations. Hello. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Centripetal acceleration का definition समझ में आया? Yes, sir. तो फिर आपको इसका formula derive करना है, जो आप running out of time आपका हो गया है, इसलिए अब इस formula को derive हम कल करेंगे, और ये मैंने आपको start किया है centripetal acceleration, फिर इसके बाद आपको बताएंगे centripetal force, तब जाकर के आप जो को बताएंगे कि कोई भी cyclist टर्न करते समय अपने बॉडी को वर्टिकल से क्यों बेंड कर देता है, या सड़क जब कॉर्नर पर बनाई जाती है तो सड़क को अंदर की तरफ बेंड क्यों कर दिया जाता है, उसको तब समझाएंगे जब आपको सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपेटल फोर्स जब आपको एक्सप्लेन कर लेंगे. तो कल आपको हम डिराइव करेंगे सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फार्मूला, जिसका डिफिनेशन आज आपको हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंतर्गत डिफाइन कर दिए हैं. अब इसका फार्मूला जो डिफाइन करेंगे, जो प्रूव करेंगे, वो आपको हम कल करेंगे, और वो फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, जहां पर वी स्पीड हो गया और आर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ हो गया. लेकिन ये फार्मूला आएगा कैसे, उसी को प्रूव करके आपको हम बताएंगे, यानी डेरिवेशन डिराइव द फार्मूला ऑफ द सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन. तो ये कल आपको स्टेप स्टार्ट होगा. नहीं भाग गए रहने था क्या बिजी.